दोस्तों, अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है वो वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आज के टाइम में AI की मदद से हम वो वीडियो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसमें व्यू की भी भरमार होती है। देखिए, मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ जिसका नाम है रैबिट्स किड्स। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल जो है ये साउथ कोरिया का है और ये टोटल वही वीडियो बनाता है रैबिट की स्टोरी के ऊपर, जैसा मैं आपको बताऊंगा, और इसके मिलियन में व्यू आते हैं। दोस्तों, इसने सिर्फ 23 वीडियो डालकर 388,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आप भी ऐसी ही वीडियो बनाएं और खूब मज़े से अपना यूट्यूब चैनल चलाएं। आपको एक वीडियो बता देता हूं कि ये वीडियो कैसे बनाता है। मैं इसे प्ले करता हूं। हम दोस्तों इसकी एक वीडियो को प्ले करके देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ इमेज का यूज़ करता है, उसमें स्टोरी कुछ भी नहीं होती है, बस स्टोरी की जगह ये बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करता है, वॉइस ओवर नहीं करता है। इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होती है और ये इमेज को ही एक स्टोरी टाइप में बैक टू बैक यूज़ करके वीडियो को तैयार कर लेता है शॉर्ट क्लिप के लिए। आप भी दोस्तों ऐसी ही एक शॉर्ट क्लिप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट कहाँ से लिखना है, क्या प्रॉम्प्ट लिखना है, जिसमें कि हमारे सभी सीन में कैरेक्टर जो है एक समान हो, यानी कि हमारे सब कैरेक्टर एक जैसे हो, हम जितनी भी इमेज को यूज़ करें सब कंसिस्टेंट कैरेक्टर की हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम चैट GPT पे। यहाँ आना है दोस्तों। यहाँ आने के बाद आपको मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे कॉपी कर लेना। आपको भी ये प्रॉम्प्ट लिखना है। बस यहाँ पे दोस्तों, जैसे मेरे दो कैरेक्टर है, मैंने रैबिट लिया है, क्यूट रैबिट और लिटिल लायन, आप इनकी जगह पे कोई भी दो कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, वो आपको चेंज करना है और इसे चैट GPT की मदद से इसे चैट GPT को बता देना है कि हमें इसके हिसाब से इमेज का प्रॉम्प्ट लिख कर दे। देखिए, मैं चैट GPT को ये देता हूँ। ये कुछ ही 2 सेकंड के अंदर दोस्तों हमारे लिए 5 प्रॉम्प्ट इमेज के दे देगा एक स्टोरी टाइप में। देखिए दोस्तों, इसने प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिया है। जब दोस्तों इसके 5 प्रॉम्प्ट लिखकर हो जाएंगे, हमें क्या करना है, हमें इसे बैक टू बैक कॉपी करना है और इसकी इमेज बना लेनी है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसने 5 प्रॉम्प्ट लिखे हैं दोस्तों। ये देखिए, इसने अपनी स्टोरी के हिसाब से 5 प्रॉम्प्ट लिखे हैं। हमें क्या करना है, पहले वाले प्रॉम्प्ट पे लॉन्ग प्रेस करना है, सेलेक्ट टेक्स्ट करके पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। हमारा पहला प्रॉम्प्ट कॉपी हो चुका है। अब आपको जाना है, जहाँ से भी इमेज बनाना चाहते हैं आपको वो वेबसाइट पे चले जाना है। मैं तो दोस्तों आइडियोग्राम पर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो मैं इसीलिए, मुझे बहुत अच्छी साइट लगती है ये आइडियोग्राम। यहाँ पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि फ्री में आप कैसे इमेज जनरेट कर सकते हो। आपको आइडियोग्राम पे आना है और इसे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, अगर आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरे ईमेल आईडी से भी इस पर लॉगिन कर सकते हैं। बस हमने जो वहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और दोस्तों आपको ये नीचे जो जर्नल रियलिस्टिक डिज़ाइन और 3D का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं इसे 3D सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप लॉन्ग वीडियो के लिए इसे बना रहे हो तो 16:9 का रेशो ले लेना है, या फिर अगर शॉर्ट के लिए बना रहे हो तो 9:16 का रेशो ले लेना है। तो मैं इसे फ़िलहाल 9:16 पर ही रहने देता हूँ और जेनरेट पर क्लिक करता हूँ। देखिए,
हमने जैसे ही जनरेट पे क्लिक किया है, ये कुछ सेकंड लेगा और आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपको एक बेहतरीन इमेज डाउनलोड करके दे देगा। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी वीडियो कैसे बनानी है। ये हमारी वीडियो जब तक दोस्तों हमारी इमेज बन रही है, आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड के अंदर इसने अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें 4 इमेज जनरेट करके दे दी है। अब आपको क्या करना है, इन चारों इमेज में से आपको जो भी इमेज बेहतर लगती हो, यानी कि आपको पसंद आ रही हो। देखिए हमारे चारों कंसिस्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों, हम जितनी भी इमेज इसमें से डाउनलोड करोगे अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से, हमने जो GPT को प्रॉम्प्ट दिया था कि हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर चाहिए, वो हमें उसके हिसाब से ही बनाकर देगा। हमें इस इमेज को कॉपी कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और इधर जो ये डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको दोस्तों पांचों प्रॉम्प्ट को यहाँ लाना है बारी बारी से, और पुराने प्रॉम्प्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से इसे कट कर देना है। नए वाले प्रॉम्प्ट को लाना है ChatGPT में से और यहाँ पे पेस्ट करके इसे जनरेट कर देना है। जब दोस्तों आपके सारे इमेज आपके वीडियो के हिसाब से 10-12 इमेज यानी के अगर हो जाएंगे, तो आपको चले जाना है वीडियो एडिटर पे। आप जो भी वीडियो एडिटर यूज़ करते हो, आपको वहाँ चले जाना है। मैं फ़िलहाल आपको CapCut पे बताऊँगा कि आप CapCut पे इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें जाना है CapCut पे। हम यहाँ पे आके दोस्तों एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। नया प्रोजेक्ट लेने के बाद हमें इमेज से ही वीडियो बनानी है, तो हम फोटो पे चले जाते हैं और हमने जितने भी इमेज को डाउनलोड किया है सबको स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमने 8-10 इमेज को डाउनलोड कर लिया था, तो हम अपने स्टोरी के हिसाब से उन 8 या 10 इमेज को इधर पे ऐड कर लेंगे। देखिए हमारी ये इमेज ऐड हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, हमारी सभी इमेजों को कम से कम 2 सेकंड के लिए रखना है। जैसे कि मैं रख लेता हूँ, हम इस पहले वाली इमेज पे क्लिक करते हैं और इसे 2 सेकंड का कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी इमेज पे जाते हैं और इसे 2 सेकंड का कर लेते हैं। हमें हमारी सभी इमेज को कम से कम 2 सेकंड का रखना है। मैं फटाफट इसे 2 सेकंड का कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी सारी इमेज 2-2 सेकंड की हो चुकी है। अब दोस्तों हमें इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, जो हमारी स्टोरी को और भी बेहतर बना देगा। उसके लिए दोस्तों आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं दोस्तों साउंड इफेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फनी कार्टून। तो दोस्तों ये मुझे फनी कार्टून के बहुत सारी बैकग्राउंड म्यूजिक दे देगा। अब आपको जो अच्छी लगती है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। मुझे तो फिलहाल पहली वाली ही सही लग रही है, मैं पहली वाली ही ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने पहली वाली ऐड कर ली है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके इमेज पे आना है, फर्स्ट वाली इमेज पे, और यहाँ पे एनिमेशन का जो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको ये जो पहला वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है फेड इन, इसको इनेबल कर देना है। इसके ड्यूरेशन को हम 1 सेकंड कर देंगे और राइट क्लिक कर देना है। अपने सभी इमेज को यहाँ से आप एक साथ भी इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहली इमेज को दिया है, दूसरी इमेज को दिया है फेड इन, इसका ड्यूरेशन 1 सेकंड कर देना है। ऐसा आप सभी इमेज के साथ में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तीसरी को किया है फेड इन कर दिया है, चौथी को भी कर दिया फेड इन कर दिया है, पांचवी को भी। इसी तरीके से आप बारी बारी सभी को इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी हो रहा है दोस्तों।
ये हमारा एनिमेशन का काम हो गया है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन गई है। जब भी इमेज चेंज होगी तो आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों हमें इसे और बेहतर बनाना है, तो हम एक काम करेंगे, इसके जो ये बीच का पार्ट से हम इस पर क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन पे। जब ये ट्रांजेक्शन हो रहा है और यहाँ पे आके दोस्तों हम यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दूसरा ट्रांजेक्शन दे देंगे। जैसे कि दोस्तों मुझे ये ट्रांजेक्शन डालना है, जैसे मैं आता हूँ लाइट इफेक्ट में और यहाँ पे मुझे ये फ्लैश वाला ट्रांजेक्शन काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब दोस्तों मैं इसे अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो ये सभी ट्रांजेक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ और ये सभी ट्रांजेक्शन पे अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों हम अपनी वीडियो को ज़रा प्ले करके देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बन गई। देखिए दोस्तों हमारी वीडियो कितनी बेहतरीन बन चुकी है। इसमें इस स्टोरी में पूरा समझ में आ गया है कि एक रैबिट ने कैसे लायन के बच्चों को रेस्क्यू किया है जो कि एक जंगल में फंस चुके थे, फिर उन्हें समंदर में लेके जाता है और वहाँ उनके माँ बाप से मिलाने के लिए ये उन्हें लेके जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके वीडियो की जितनी लेंथ है आपको वॉइस की लेंथ को भी उतना ही रखना है। इस पे स्प्लिट पे क्लिक करना है और बेकार पार्ट्स को डिलीट कर देना है। और आपको जो ये लास्ट में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिटिंग का, आपको इसे भी डिलीट कर देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा।